2000 में ये कोरियन चाइनी टिंग टिंग पोंग पोंग थाईलैंड मलेशियन इधर आए, सब एक जैसी शक्ल के होंगे। आपने कुछ चिंग को खोला एक जैसी शक्ल, पिंक को खोला एक जैसी शक्ल, ये वाला मामला है। चाइनीज और कोरियन है ना, ये बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। अमेरिकन तो बहुत महंगे, $50 में काफ़ी मिल जाते हैं। कोरियन तो उससे भी सस्ते हैं, $100 में ना पूरा महीना निकल जाता है। कि चाइना के हवाले से क्या मशहूर है, है? ये भाई ऐसी हल्का फुल्का माल होता है, ऐसे ही ना है, ऐसे मशहूर है। चले तो चांद तक, शाम तक तकरीबन कोई $2000 लग जाएगा आपका फेसबुक के लाइक, और 2000 को लग जाएगा यूट्यूब के। अच्छा हाँ, और बाकी आपका खादिम का $1000 कमीशन। $1000 कमीशन? मेहनत कर रहा हूँ ना भैया। अच्छा ऐसे थोड़ी हो रहा है यार, मेहनत हो रही है, है? $20 आ जाएगा आपका फेसबुक के लाइक से। $20? हाँ। अच्छा बहाना। और कोई $30 आ जाएंगे आपके यूट्यूब के व्यूज, तो आप माना आराम से घर बैठे $50 कमा सकते हैं। और बोल भाई ऐसा ऐसा होगा ना, पहले महीने आएंगे 50, अगले महीने 100, तो उसके महीने 150। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क में खुश आमदीद, और मैं हूं आपका मेज़बान अली अब्बास। नाज़रीन, सोशल मीडिया एक ऐसा दरिया है जिसमें हर कोई डुबकी तो लगाना चाहता है, लेकिन इसमें तैरने का फ़न जो है वो हर कोई नहीं जानता। इसलिए आजकल के नौजवान और बहुत से लोग जो हैं वो इस सोशल मीडिया की मसनूई ज़िंदगी में ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए नित नए तरीके इख्तियार करते हैं, और वो चाहते हैं कि इस वो सोशल मीडिया की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर हों, और इसमें वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो ज़िंदा रह सके। आज हमारे साथ दमी म्यूज़ियम से एक ऐसी शख्सियत स्टूडियोज़ में मधु हैं जो सोशल मीडिया पर तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन दर हकीकत उन्हें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं शोबाज चौधरी साहब, आप उनको वेलकम कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शोबाज चौधरी साहब आज हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। ये बताइए कि हमने सुना कि सोशल मीडिया पर आपके लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आपको कम्युनिटी में ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो इसकी क्या वजह है? आप लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सुन लेते हैं। कभी कोई तस्दीक भी कर लिया करें अली साहब। एक बात बताइए, अगर तो मुझे कम्युनिटी में कोई जानता नहीं, तो फिर आपने मुझे प्रोग्राम में क्यों बताया? शोभा साहब, हमने तो आपको आज शो में इसलिए मधु किया है क्योंकि आपसे मुतालिक ये मशहूर है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन सोसाइटी में जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें आपको लोग नहीं जानते। तो हमने कहा हमारा भी कुछ भला हो जाए अगर आप अपने कुछ कीमती मशवरों में से हमें भी कुछ इनायत कर दें। मैं आपको अपना जो है कीमती वक्त दे रहा हूँ, क्या ये कम है? एक्चुअली मैं बहुत एक बिजी आदमी हूँ, और मैं एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। बस सेलिब्रिटी नहीं होता, सेलिब्रिटी कहते हैं। हाँ वही वही है जी, वही है सेलिब्रिटी, सही है? सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी सही है? चले ठीक है, जैसे भी आप बोल। मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे कुछ सिखाने के लिए बुलाया या मुझसे कुछ सीखने के लिए? नहीं, आपको जो नहीं आता वो भी तो हम आपको आखिर सिखाएंगे ना। बुलाया तो इसलिए वैसे कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, ताकि कुछ सोशल मीडिया में हम भी कुछ फेम हासिल जो है वो कर सकें। बस ये दरमियान में जो है वो सेलिब्रिटी का मामला आके अटक गया। तो अपने कुछ कीमती मशवरों में से अगर आप हमें कुछ इनायत करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कीमती मशवरे? मैं कोई भी चीज़ कभी भी मुफ्त में नहीं देता, फीस है मेरी। अगर आप फीस देना चाहते हैं तो दे दें, मेरा ख्याल है $100 है। और अगर आप अपने मुझसे और मेरी टीम से अपने पेजेस मैनेज करवाना चाहते हैं, तो हम लोग माहाना की बुनियाद पे कोई एक अमाउंट तय कर लेते हैं। अच्छा, तो आपकी सोशल मीडिया टीम भी है,
और ये बताएं कि महाना फीस क्या होती है और कितनी आप फीस चार्ज करते हैं लोगों को प्रमोट करने के लिए? मेरी सोशल मीडिया टीम है, पंजाब के दीगर इलाके गुजरात, लोधरा, शेखपुरा, हर जगह से नौजवान लड़के लड़कियां हैं मेरे पास जो भर्ती हुए हैं। और जहां तक फीस की बात है जो आप कह रहे हैं, एक बार मुआहदा हो जाए उसके बाद तय कर लेंगे, जल्दी किस बात की है। अच्छा शोभा साहब, वैसे आप हैं तो अपने नाम की तरह वाकई शोभा, जब से प्रोग्राम में भी आप आए हैं बोंगियां मारे जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक जो है ना वो आप फेंके ही चले जा रहे हैं। फेंकने की भी कोई हद होती है आखिर? भाई मैंने आपसे फीस मांगी तब आप मेरा मजाक उड़ाएंगे हैं, ये क्या तरीका है साहब? नहीं शोभा साहब, मैंने कब आपका मजाक बनाया, असल में ये सोशल मीडिया टीम, पंजाब से लड़के लड़कियां जो आपने हायर किए हुए हैं ना, ये बात असल में मुझे हजम नहीं हो रही। खैर ये बताएं कि आपकी जो पोस्ट होती हैं सोशल मीडिया की और फेसबुक वगैरह की, उस पर इतने लाइक्स कैसे आ जाते हैं? मतलब पूरी कम्युनिटी हैरान है ये देखकर। क्या सवाल किया आपने? अब आप फ्री हो गए चलाना शुरू कर दिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी जो पोस्ट होती हैं सोशल मीडिया की, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर आपकी इतनी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा कैसे, इतने लाइक्स कैसे आ जाते हैं? आप पोस्ट लगाते हैं और थोड़ी देर में उस पर लाइक्स आना शुरू हो जाते हैं इतने सारे, वो कैसे आते हैं? देखें मैं एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हूँ, लाइक्स फॉलोअर्स मेरे पास नहीं आएंगे तो फिर किसके पास आएंगे? सिली यू। सेलिब्रिटी तो आपसे बोला नहीं जा रहा और आप बने हैं जी बड़ी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी। वैसे हमने जब भी आपकी पोस्ट देखी है ना तो हमें कभी कभी जेलसी फील होती है, तो हमने जाके वो लाइक्स वाले जो आ रहे होते हैं ना कि आपके इतने ज़्यादा लाइक्स आ गए, इतने हज़ार हो गए, तो एक दिन हमने उनको देखा क्लिक करके कि आपको कौन कौन लोग जो है ना वो लाइक कर रहे हैं। आपको कहीं इंडियन सेलिब्रिटी शाहरुख खान? नहीं, नहीं, आप सुने तो सही, जब हमने वो लाइक्स वाली उसकी जो लिस्ट थी हमने उसको चेक किया तो उसमें बहुत अजीब अजीब से नाम जो है ना वो हमने देखे, शिंग पिंग, शिंग शोंग, चिंग पिंग। हमने कहा आपको तो लोग चाइना कोरिया वगैरह में रहते हैं वो भी आपको फॉलो कर रहे, तो वहाँ तक आप कैसे मशहूर हो गए? चाइना कोरिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आपको देख रहे हैं। अली साहब असल में ना मेरे पास दौलत की कमी तो कोई है नहीं, अब मार्क ज़करबर्ग जो है वो ऐसे फ्री में पेजेस बना रहा है तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं लाइक्स खरीद लूँ, इससे उस बेचारे का भी भला हो जाएगा। बस इतनी सी नेक नीयत है दिल में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ये है बात ऐसी, तो मैं लाइक्स खरीद लेता हूँ। तो ये जो आप नाम ले रहे हैं इनके हमें फिर मिल जाते हैं, शिंग पिंग पिंग पोंग सब आ जाते हैं। नाज़रीन, मशहूर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी शोभास चौधरी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आपने देखा कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि वो चाइना और कोरिया में कैसे पॉपुलर हुए, कैसे उन्होंने फेक्स लाइक जो है वो ख़रीदे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फेक लाइक्स कैसे ख़रीदे जाते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ आज कम्युनिटी की मारूफ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी आज मौजूद हैं शोभास चौधरी, और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो किस तरह जो है वो वियतनाम और चाइना कोरिया हांगकांग पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन ममालिक में वो जो है वो मशहूर हुए। तो अब उनसे हम मज़ीद बात करते हैं। शोभा साहब ये बताएं कि आपने बताया कि आपने जो लाइक्स जो है आप वो ख़रीदते हैं और बहुत सारे ममालिक में आप मशहूर हैं, तो आप अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन आप जो लाइक्स हैं और व्यूज़ हैं वो आप जाली खरीदते हैं, तो फ़ायदा ऐसे ये जाली व्यूज़ और लाइक्स का फ़ायदा शायदा क्यों नहीं है? देखे ना आपने मुझे अपने शो में बुला लिया है। ऊपर से आपको एक और बात बताऊँ, ये चाइनीज़ और कोरियन है ना ये बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, अमेरिकन तो बहुत महंगे हैं, ये अमेरिकन यूके कैनेडियन ये जितने ममालिक हैं ना बड़े बड़े तो भाई उनके लाइक्स वाइक्स तो बहुत महंगे, खर्चा बहुत होता है इनमें, चाइनीज कोरियन वगैरह सस्ता। ये बताएं कि चाइनीज लाइक जो हैं वो कितने सस्ते हैं और इसकी वजह क्या है? $50 में काफ़ी मिल जाते हैं, कोरियन तो उससे भी सस्ते हैं।
$100 में ना पूरा महीना निकल जाता है। यूं लगाए और यूं लाइक्स आना शुरू, चले भाई पूरा महीना निकलता है $100। किसी को बताइएगा मत। अरे भाई ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो एक जैसी शक्लों वाले हैं उनके लाइक्स जो है वो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन चाइना तो बड़ी इकोनॉमी है, तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके लाइक्स तो महंगे होने चाहिए, वो क्यों सस्ते मिल रहे हैं इतने? पता था मुझे ये सवाल करेंगे आप। यही सवाल मैं अक्सर कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ ना, कभी कोई यूनिवर्सिटी वहाँ भी मुझसे पूछते हैं लोग। इसका जवाब ये है भैया कि चाइना के हवाले से क्या मशहूर है कि भाई ऐसी हल्का फुल्का माल होता है, ऐसे ही ना है, ऐसे मशहूर है, चले तो चांद तक वरना शाम तक, ऐसी है। तो बस समझेंगे, इसलिए लाइक भाई ना सस्ते भी होते हैं एक ही। अच्छा तो आपको लोग यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए भी बुला रहे हैं, वहाँ पे क्या लेक्चर क्या देना है यूनिवर्सिटीज में जाके? हाँ बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग बुला रहे हैं, और क्या आप लोग क्या लग रहे हैं आपको समझ रहे हैं कि ये बस एक शो है? जी नहीं, ऐसा एक शो नहीं है, ये बहुत यूनिवर्सिटियाँ बहुत कॉलेजेस में जा चुका हूँ मैं। सब यही पूछते हैं ना भाई कि ये जो सोशल मीडिया की प्रमोशन है ये सब है, ये कैसे करनी है, क्या करना है? आपने भी इसी हवाले से बुलाया? वो लोग भी इसी हवाले से बुलाते हैं। हाँ अच्छा तो ये आपके लाइक्स आते हैं तो वो आईडी अक्सर हमने देखा वो फेसबुक पे एक्टिव नज़र नहीं आती, मतलब वो खुद लाइक जो आपको आईडीज जो आपको लाइक कर रही हैं या जो आपको देख रही होती हैं वो कभी अपनी आईडीज के ऊपर कोई पोस्ट नहीं लगाती हैं, इसकी क्या वजह है? फेक होती है ना। अच्छा वो आईडी भी फेक है जो आपको फॉलो कर रही है? यही तो बात है, फेक होती है। फेक होती है। तो यही आपको बताना चाह रहा था कि ये होती फेक है, कुछ अरसे के लिए होती हैं उसके बाद तो गायब हो जाती हैं। अब ये थोड़ी है कि कोई मुस्तनसर इकबाल सिकंदर जावेद उनको मैं बोलूँ फ़ोन करके, बेटा तुम्हें एक अपनी आईडी बनाओ, प्रोफाइल बनाओ, फिर जाके फला को लाइक करो, ऐसे थोड़ी होता है। ये शिंग पोंग टिंग टोंग पिंग पोंग ऐसे ही तो होते हैं। हाँ नाम तो ऐसे ही है, सारी शक्लें भी टेढ़ी मेढ़ी हैं उनकी जो लाइक कर रहे हैं आपको, ऐसी यही है। तो बस आप ये समझ जाए ये बात बतानी है आपने किसी को नहीं है कि फेक होती है, ये सिर्फ हम दोनों की बात है ताकि हम अभी इस पर तय कर लेंगे ना एक फेक, जैसे कि हमने पहले बात की। अब कहाँ रही हम दोनों की बात, अब तो सबको राज खुल गया, सबको पता चल गया। और ये भी बता दें कि आपकी बहुत सारी पोस्ट के ऊपर बहुत सारे लाइक्स होते हैं लेकिन व्यूज कोई नहीं होता, व्यूज होते हैं 2-4, लाइक्स हैं 2-3 हज़ार, इसकी क्या वजह है? ये कैसे हो जाता है? मैं सिर्फ लाइक ही खरीदता हूँ व्यूज का, लाइक देखते हैं लोग, ओ भाई कितना लाइक किया हुआ इसको, वे इतना ये देखते हैं, इतना इस तरह देखते हैं, ठीक है। तो जब इसको देखते हैं इस तरह तो मैं भी सिर्फ लाइक ही खरीदता हूँ, अब इतना भी ज़्यादा भला नहीं करना उस मार्क ज़करबर्ग जिंगर बर्गर जो भी है वो, उसका इतना थोड़ी भला करना, थोड़ा बहुत उसको हम दे देते हैं कि उसका जो है ना ये ईस्टर क्रिसमस वगैरह निकल जाए, हैं बाकी हमने भी यहाँ देखना है भाई, हमारे भी लोग हैं इधर, ठीक है। तो ऐसा है हमें भी फायदा ये ऐसी मसनूई ये खाली जो ऐसी शोहरत का जिसमें कोई रियलिटी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। रियलिटी तो किसी में भी नहीं, मुझे ये बताइए कि जितने लोग जो इतने फॉलोअर और इतने लेके बैठे हुए हैं क्या आपको लगता है इनको लोग फॉलो करते हैं? ये सेलिब्रिटीज ये फला जफर तो फला असलम और ये फला ढमकाना तो ये खान, आपको लगता है कि ये इनके पास इतने लोग हैं? 10 मिलियन 12 मिलियन, सुबह उठो 12 हो जाते हैं और रात को सो तो 14 हो जाते हैं। अबे भाई कोई मजाक लगाया हुआ है, ऐसे थोड़ी हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो रियलिटी तो इनमें भी नहीं है, ये ज़्यादा पैसे देते हैं बस, आपका अच्छा, कंजूस नहीं है। फिर एक काम करें कि हम भी मीडिया में बहुत अरसे से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे भी कुछ लाइक और फॉलोअर्स बढ़ा दें। अभी इतने साल हो गए हैं, 5 साल में जाके 6 साल में फेसबुक पे 2 लाख हैं और यूट्यूब पर तो 20 हज़ार से भी कम है, तो आप अगर हमारे चैनल्स पर भी तवज्जो दें, अगर आप इसको भी ज़रा बूस्ट करवा दें तो बताएं कैसे हो जाएगा, कितना खर्चा आ जाएगा इस पर? खर्चे पर है ना, ये असल बात भाई, तकरीबन कोई $2,000 लग जाएगा आपका फेसबुक के लाइक्स, और 2,000 कोई लग जाएगा यूट्यूब के ऊपर। अच्छा हाँ, और बाकी आपके खादम का $1,000 कमीशन। $1,000 कमीशन?
मेहनत कर रहा हूँ ना भैया। अच्छा, ऐसे थोड़ी हो रहा है यार, मेहनत हो रही है, है? तो होगा ये कमीशन, तो कुल मिला के कोई $5,000 है बस, और कुछ भी नहीं। $5,000 तो बहुत खर्चा होता है शोभा साहब। चले $5,000 बिल फर्ज मैं खर्च भी कर दूँ, इनकम कितनी हो जाएगी मुझे मंथली? भाई मेरा काम प्रमोशन का है, आप सीधा इनकम पे आ गए। भाई $5,000 खर्च करने जा रहा हूँ तो इनकम का तो पहले सोचूंगा, रिकवरी भी तो करनी है। यही कोई तकरीबन कोई $20 आ जाएगा आपका फेसबुक के लाइक से। $20? हाँ अच्छा, बहाना। और कोई $30 आ जाएंगे आपके यूट्यूब के व्यूज से, तो आप माना आराम से घर बैठे $50 कमा सकते हैं। हाँ, और बोले मेरा दिमाग खराब है, $5,000 खर्च करूं और $50 जो है वो मैं दो अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब से मैं बनाऊं $50, तो इसका मतलब सब्सक्राइब तो मेरे चैनल नहीं होगा। मैं $5,000 आपको दे रहा हूं तो सब्सक्राइबर कितने बढ़वाएंगे मेरे फेसबुक और यूट्यूब के, वो बताएं ना पहले। हो जाएंगे कोई 1,500-1,200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 2,00,000 पहले से है मेरे, बस इतने 20,000 तकरीबन यूट्यूब पर हैं, तो 10-20 लाख हो तो बंदा सोचे भी। महाना की बुनियाद पे बढ़ेंगे, 1,000-1,500 बढ़ जाएंगे बस ऐसे। अच्छा हाँ, तो आप कब दे रहे हैं पैसे ये बताएं। पैसे अभी इतनी जल्दी कहाँ, आप कोई प्रॉपर मुझे कोई प्लान दें, मुझे लगे को महीने की कोई मुझे $500-700 आना शुरू हो गया है यूट्यूब से, फेसबुक से भी इतने आ जाए तो बंदा फिर खर्च भी करे $5,000। भाई ऐसा ऐसा होगा ना, पहले महीने आएंगे 50, अगले महीने 100, तो उसके महीने 150, ऐसा ऐसा हर चीज़ ऐसा ऐसा होती है। एकदम से आदमी यूनिवर्सिटी नहीं चल जाता, पहले जाता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, ठीक है, फिर कॉलेज, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसी तरह है। वैसे अभी जो मेरा जो चैनल है ना वो बड़ा आपको पता है पॉपुलर है। हाँ, मैं चाहता हूँ अमेरिका से बाहर भी, दूसरे ममालिक में भी लोग देखते हैं, कनाडा में है, सऊदीया में है, और भी जगहों पे। अब ये जो दूसरे कंट्री जहाँ आप मशहूर हैं, समझ गए ना वो नाम चिंग पिंग, और वहाँ भी अगर मेरी व्यूअरशिप पॉपुलर हो जाए, सारी पोस्ट मेरी वहाँ देखी जाए, उस पर तो खर्चा फिर कम ही आएगा। आप खुद बता रहे थे कि चाइनीज़ कोरियन सस्ते बहुत आसान है, उधर तो बहुत ही आसान है वहाँ तो। $5,000 से ज़रा जान छोटे ना, थोड़ा कम में काम तो यहाँ हो जाए। काम है ना आपका, काम किसी को बताइएगा नहीं है मेरी, आपके बीच की बात है। $2,000 में करा दूँ सब कुछ, 1,000 यूट्यूब, 1,000 फेसबुक, चलो आए $2,000 वैसे और 5,000। हाँ, फिर 5,000 में तो फिर समझो अमेरिका, कनाडा, UK, पाकिस्तान, फलां ढमका हर जगह। 2,000 में ये कोरियन, चाइनीज, टिंग टिंग पोंग पोंग, थाईलैंड, मलेशियन इधर आए, सब एक जैसी शक्ल के होंगे। आपने कुछ चिंग को खोला एक जैसी शक्ल, पिंक को खोला एक जैसी शक्ल, ये वाला मामला है। मगर क्या है, आपको तो लाइक्स चाहिए ना, व्यूज चाहिए, वो आते नहीं। नहीं, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली इनकम चाहिए। तो मेरे ख्याल से मुझे आज के प्रोग्राम में जो ना आपकी जगह पे किसी फूड वेंडर, किसी शेफ, किसी ऐसे किसी एंटरप्रेन्योर को बुलाना चाहिए था जिससे मुझे कोई फ़ायदा भी होता। $5,000-7,000 मेरा आप खर्च करवाने के लिए तैयार हो गए और मिलेंगे कितने मुझे, 5,000। तो नाज़रीन आपने सुना कि ये बड़ी बड़ी जो हमारी कम्युनिटी की सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ जो बनी हुई हैं, इनको असल में कोई भी नहीं जानता, और जो लोग इनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जानते हैं उन जानने वालों को भी आगे कोई नहीं जानता। तो आप इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लीजिएगा। हम अगले हफ्ते आपकी मुलाकात किसी अच्छे मेहमान से ज़रूर करवाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।